तो अपन देखेंगे एक धर्मात्मा, और कहते हैं ना ये बड़ा धर्मात्मा आदमी है, ये बड़ा धर्मात्मा महिला है, तो बोलते हैं। और तो धर्मात्मा और अपन कहते हैं कि एक ये बड़ा धार्मिक है, एक को धर्मात्मा बोलते हैं तो एक को क्या बोलते हैं, धार्मिक है। तो धर्मात्मा और धार्मिक में दोनों में क्या अंतर है? धार्मिक में और धर्मात्मा में दोनों में क्या अंतर है? तो अपन देखेंगे कि जो व्यक्ति मंदिर जी में आकर के और धार्मिक क्रियाओं में संलग्न रहता है वो धार्मिक व्यक्ति है। क्या कहता है? उसे और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, उसके दिमाग में की आदत बन गई आदत। क्योंकि अपन देखेंगे कि कोई भी कार्य किया जाए तो उसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों कर रहे हैं हम। जैसे अपन देखें, मान लो मंदिर जी में प्रवेश किया, और अधिकांश व्यक्ति जब मंदिर में प्रवेश करते हैं तो घंटे को जरूर बजाते हैं, आई एम राइट ना। और आपका ही नाती पोता आपसे पूछता है घंटा बजाते क्यों हैं, तो इसका हमारे पास कोई जवाब नहीं है। है क्या जवाब? नहीं है ना। हाँ, तो पर हम बजा तो रहे ना, बजा तो रहे हैं, पर हमें उसका रीजन नहीं मालूम कि क्यों बजा रहे हैं। हमने मंदिर जी में आकर के एक मुट्ठी चावल भगवान जी की बेदी में चढ़ाया, घर से लाते ना, है ना। हाँ, तो ये परंपरा है हमारी कि हम घर से चावल लेकर के डब्बी में या हाथ की मुट्ठी में भर करके चावल मंदिर जी में लाते हैं, और पांच वेदियाँ जो हैं उन पांच वेदियों में आपने क्या किया, हर वेदी में चावल चढ़ाए, और आपके साथ आपका बेटा या नाती पोता आया तो उसको भी कह दिया आपने कि लो ये तुम चढ़ाओ बेटा, चढ़ाओ चढ़ाओ। पर अब वो बेटे ने पूछ लिया कि पापा ये तो बताओ चढ़ाते क्यों हैं, तो क्या जवाब है अपने पास? कोई जवाब है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे माता पिता भी चढ़ाते थे, हम भी चढ़ाने लगे। अब हम अपने बच्चों से कह दे तू भी चढ़ा, तो वो भी चढ़ाने लगेंगे, पर रीजन किसी को नहीं मालूम, रीजन किसी को नहीं मालूम, है ना। तो ऐसे कितनी क्रियाएं ऐसी हैं जो हम मंदिर जी में प्रतिदिन करते हैं, पर वो क्रियाएं करते क्यों हैं? क्योंकि हमें अगर पता चल जाए कि ये क्रिया इसलिए की जाती है तो कम से कम आपको क्रिया करने में और ज्यादा मन लगेगा, और ज्यादा मन लगेगा। जब कभी अपन भक्तामर स्तोत्र पढ़ते हैं, और भक्तामर स्तोत्र पढ़ते समय यदि एक एक काव्य का लोग कहते हैं महाराज जी इसका अर्थ बता दो, अगर अर्थ बता दो तो क्या होगा, हमारी श्रद्धा और बढ़ जाएगी कि इस काव्य में है क्या, कि जो भक्तांबर जी का एक एक काव्य व्यक्ति के कैंसर को ठीक कर सकता है, इस काव्य में है क्या। दृष्ट भवंत मणिमेश बिलोके नियम नान्यत्र तुमुपयाति जनस्य चक्षु पीतवा पया शशि करद्युति दुग्ध सिंधो क्षारम जलम जल निधे रसी तुम का इच्छेत। एक मानतु स्वामी महाराज क्या बोल रहे हैं, भगवान की मूर्ति के सामने खड़े होकर के इस काव्य को पढ़ना है। कहाँ पढ़ना है? भगवान की मूर्ति के सामने खड़े होकर के पढ़ना है। और इसके पीछे भाव क्या छुपा है कि दृष्टवा भवंत मणिमेश के भगवान मैं आपको दृष्टवा यानी देख रहा हूं। वो कैसे देख रहा हूं? अनिमेश, अपनी आंखों को बिना झपकाए, क्योंकि यदि हम आंखों को भी झपकाते हैं तो आपकी सजदा करने में क्या होता है, अंतराय आ जाता है। तो जैसे हम कहते हैं ना टक टकी लगा करके देखना, टकटकी लगा के देखना, उन भगवान को टकटकी क्यों लगाना, टकटकी लगा के क्यों देखना? क्योंकि टकटकी आप उसी को तो लगाओगे जो आपको कोई यूनिक चीज दिखेगी,
हर किसी पर लगाओगे नहीं। तो भगवान यूनिक है, तो भगवान पर अपनी दृष्टि लगाई कि हे भगवान, आप जैसा दुनिया में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, और आपको हमने देख लिया, अब हमें किसी और को देखने की आवश्यकता नहीं है। ये भाव है वहां पर। अब दुनिया में इतने देवी देवता हैं, जैसे मार्केट होता है अन्य वस्तुओं का, ऐसे ही धर्म करने का भी पूरा मार्केट है, और मार्केटिंग चल रही है, चल रही है। कितने देवी देवताओं के मंदिर हैं, बीत रागी ताके भी मंदिर हैं, रागी देवी देवताओं के मंदिर भी हैं, पर जब तक आपको ये मालूम ना हो कि हमें कहाँ जाना है, किस दुकान पर जाना है, कहीं भटक तो नहीं रहे आप? कहीं ऐसा तो नहीं हल्का सा कर्म का उदय आने पर आप किसी दूसरे दरबार में चले गए हों, किसी अन्य देवी देवताओं के पास चले गए हों, वहां जाके आप सजदा करने लगे, है ना? तो आचार्य बोल रहे हैं कि दृष्टवा भवंत मनीमेश बिलोक नियम नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु पीतवा पया शशिकरदुग्ध सिंधो क्षारम जलम जल निधेश तुम का इच्छेत। कि हे भगवान, जिसने क्षीर सागर का मीठा कंचन जल जिसके मुंह में लग गया हो, वो व्यक्ति कौन होगा जो खारा पानी पीने की इच्छा करेगा? ये भाव छिपा दिया। कौन पिएगा खारा पानी? अगर आप लोग रोज मीठा पानी पीते हो और कहीं कहीं पे खारा पानी है, तो आप देखते हो वो बोतलें जाती हैं आजकल, हैं? क्यों भाई, बोतलें क्यों आई? क्या घर में आपके जेट नहीं लगा? क्या लगा तो है, बस खारा पानी आता है, तो है तो तुम्हारे घर का ही ना, पी लो। नहीं, वो पिबता नहीं है, इसलिए क्या करते हो, 20-25 रुपए की बोतल जो है उसे बुलवा लेते हो, वो सब लोग वो वाला पानी पीते हो, पीते नहीं पीते हो, है ना? क्यों? अब खारा पानी हमारे टेस्ट में आ नहीं रहा, है ना, इसलिए मीठा पानी चाहिए। तो बोले भगवान, ऐसे ही आप भी उस मीठे जल के समान हो कि आपको देखने के बाद अगर कोई करोड़ रुपए भी दे, चलो उस देवी देवता के पास, तो हम कहते हैं मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं जाना है कहीं, क्योंकि मैंने तो क्या कर लिया, दर्श कर लिया। धन घृणीयो धन देवसेयो धन जन्म मेरो भयो अब भाग मेरो उदय आयो दरस प्रभु जी को लख लयो। कहते कहते बन है, कैसे है भगवान? छवि बीत रागी नगन मुद्रा दृष्टि नासा पे धरे। बोले कि ये वो भगवान हैं जिन्हें आपसे कोई आशा नहीं है। नासा मतलब नासा, ना आशा, आपसे किसी प्रकार की कोई आशा नहीं है कि आप सोने का छत्र चढ़ाओ तभी भगवान खुश होंगे, या आप अभिषेक करो तभी भगवान आपसे खुश होंगे, या आप ना रोज नारियल चढ़ाओ तभी भगवान आपसे खुश होंगे, ना इससे नहीं होंगे। क्योंकि जैन दर्शन में सबसे बड़ी सजदा क्या है, आपके प्रणाम निर्मल होना चाहिए। सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है? कौन सा तीर्थ है अपना, है? सबसे बड़ा तीर्थ अपने भारत का कौन सा है, है? समय शिखर जी है। इससे भी बड़ा कोई तीर्थ कौन सा है? इससे भी बड़ा तीर्थ, सम्मेद शिखर से भी बड़ा, हस्तनापुर से भी बड़ा, गिरनारी से भी बड़ा, है ना, कुंडलपुर से भी बड़ा कौन सा तीर्थ है जिसके आगे सारे तीर्थ बेकार हैं, है ना? तो वो तीर्थ है हमारा मन। कौन सा है वो तीर्थ, बोलो? हमारा मन, बोलो लाउडली, बोलो, मन है, मन। इसीलिए आचार्यों ने कहा, हाथ जोड़ो, बोलो, निर्मल मन ही तीर्थ है। कौन सा मन है? अब शिखर जी में गए, पासना टॉक पर खड़े हो, मोबाइल हाथ में है, और वहां से फोन आ गया किसी का,
भगवान को होल्ड पे कर दिया और लोग पूछ रहे हो, हाँ हेलो, हाँ हाँ अभी मैं पासना टॉप पे खड़ा हूँ, हाँ हाँ वो वाला काम कर दो, ये वाला काम कर दो, ठीक है ठीक है, प्रभात बात कर दे, चलो बताओ। तो शिखर जी में होकर के भी, तो शिखर जी में हो क्या? सिर्फ आपके शरीर वहां पर है, पर मन तो कहाँ है? अन्य जगह पे है ना। तो सर ये आपका मन तीरथ नहीं है, तो तीरथ क्या करेगा? जब तीरथ पे होकर के भी तुम तीरथ पे नहीं हो, क्योंकि हमारा मन का तीरथ होना जरूरी है, मन का पावन होना जरूरी है, मन का पवित्र होना जरूरी है। जब तक मन पवित्र नहीं होगा, बाहर की वस्तु तुम्हें कैसे प्रभावित करेगी, कैसे प्रभावित करेगी? जब आपका मन पवित्र नहीं होगा, इसलिए कहा जाता है कि पहले क्या करो, एक बहुत प्यारा भजन पहले के लोग गाया करते थे, कि बैठ अकेला दो घड़ी, अकेला कहां बैठो, अकेला, कि बैठ अकेला दो घड़ी, प्रभु के गुण को गाया कर, मन मंदिर में रेजिया झाड़ू रोज लगाया कर। कहाँ लगाओ झाड़ू? तुमने मंदिर में झाड़ू लगा दी, तुमने घर में झाड़ू लगा दी, तुमने दुकान में झाड़ू लगा दी, पर मन में लगाई क्या? मन में लगाई। और जब मन में झाड़ू नहीं लगाते हो तो घर में झगड़ा हो जाता है। झगड़ा कब होता है घर में? जब आप घर में रह करके भी घर में नहीं हो, क्योंकि घर में दुकानदार की आवश्यकता नहीं है। जैसे आप घर में शाम को पहुंचते हो तो बीवी को पति की आवश्यकता है, माँ को बेटे की आवश्यकता है, बहन को भाई की आवश्यकता है, बेटे को पिताजी की आवश्यकता है, पर आप दुकानदार बन के गए, मन शुद्ध नहीं है, क्योंकि वहां का कोई टेंशन लेके आए थे। तो बीवी ने कुछ कहा तो उसको झाड़ दोगे, बेटे ने कुछ कहा तो उसको झाड़ दोगे, और क्या होगा, सब लोग समझ जाएंगे कि आज इनका मूड खराब है, चुपचाप रहो भैया, शांति से कहेंगे ना, कहेंगे तो मन साफ नहीं है ना। अब बताओ, ऐसे ही मन साफ नहीं है और मंदिर जाओगे तो भगवान भले ही कितने अच्छे हों, आप खूब कहो कि भैया नसीहा जी के भगवान बहुत चमत्कारी हैं, कुंडलपुर के भगवान बहुत अत्यकारी हैं, सम्मेश्वर जी बहुत अत्यकारी है, पर अधिकारी तो तब हो जब तुम्हारा पात्र साफ हो। एक जंगल का राजा कौन होता है? शेर होता है। और शेर की रानी कौन होती है? शेरनी होती है, होती ना। तो शेरनी की क्या विशेषता है? शेरनी की एक विशेषता होती है कि शेरनी जो दूध देती है वह दूध मात्र सोने के पात्र में ही टिकता है। शेरनी का दूध यदि चांदी के बर्तन में रख दो, चांदी का बर्तन टूट जाएगा, तांबे में रख दो तो तांबे का बर्तन फट जाएगा, कांच के बर्तन रख दो कांच फट जाएगा, टूट जाएगा। सिर्फ स्वर्ण को छोड़कर के सारे बर्तन को वो दूध फाड़ देता है, मात्र सोने का कोई कटोरा हो उसमें उस दूध को रखा जाए तब टिकता है। ऐसे ही भगवान ने कहा, हे ज्ञानी आत्मा हो, जब तक तुम्हारा पात्र, तुम्हारा हृदय, तुम्हारा मन जब तक स्वर्ण की पात्र की तरह नहीं होगा, जब तक तुम्हारा देव शास्त्र गुरु कुछ नहीं कर सकते। क्यों चाहिए? मन खुश होना चाहिए, प्रसन्न चित्त होना चाहिए, बना प्रफुल्लित होना चाहिए। मन अच्छा होगा तो आपका मन लगेगा भगवान को देखने में, वो टेंशन है मान लो और आप मंदिर का नियम है तो मंदिर का नियम तो पूरा हो जाएगा, पर आपका मन लगेगा क्या? अब से एक चल रहा हो, अरे अब से एक देख लो, अच्छा अच्छा क्या है आज तुम्हारा चेहरा उतरा है, मन नहीं लग रहा तुम्हारा आज, अरे वो घर में टेंशन हो गई थी तो आज, तो मन साफ नहीं है ना। तो मन का साफ होना जरूरी है। तो हम मंदिर आते क्यों हैं? कि यहाँ पर क्रियाएं करेंगे, और क्रियाएं करेंगे तो उससे हमारा मन क्या होगा, प्रसन्नचित होगा, भाव लगेंगे हमारे, और जब हमारे के भाव लगेंगे तो धर्म दो प्रकार का होता है, एक द्रव धर्म एक भाव धर्म। एक द्रव धर्म, जो आप चावल चढ़ा रहे हो ये द्रव धर्म है, आपने सोने का कलश भर करके भगवान के शीश पर जल डाला है ये द्रव धर्म है। कौन सा धर्म है? द्रव अभिषेक, द्रव पूजा,
आप द्रव से पूजा किए, द्रव पूजा है पर भाव नहीं है, भाव नहीं है। 10 पुजारी एक साथ पूजा कर रहे हैं, उसमें से 8 लोग तो परेशान हो गए कि पूजा कब खत्म हो, और 2 व्यक्ति जो हैं वो कह रहे एक पूजा और कर लो। अब वो 8 क्या कर रहे हैं, मना भी नहीं कर पा रहे बेचारे, पर वो घड़ी की तरफ देख रहे हैं। ठीक है भैया, अब वो सामने वाले जो 2 व्यक्ति हैं उनका मन लग रहा है थोड़ा सा, तो वो अर्घ पढ़ रहे जोर जोर से पढ़ रहे हैं, बाकी 8 क्या कह रहे हैं कब समाप्त हो। उनने सुहा कहा तो उनने भी उठा करके, है ना, तो कहाँ उनको फल मिलेगा क्या, समय तो पूरा दे रहे ना वो। तो कसौटी ने ये झटके बदला दिया कि असली होगा तो हमारे ऊपर कसौटी पर अपना रंग छोड़ देगा। तो ऐसे ही भगवान का रंग भी तुम्हारे ऊपर जब छूटेगा, जब तुम्हारी कसौटी पक्की हो। इसलिए महान भाव यहाँ आचार्य बोले कि ध्यान रखना, सारे देव शास्त्र गुरु में फिर कह रहा हूं, ये हमारे लिए तभी उपयोगी है जब तक हमारा मन शुद्ध है, और मन शुद्ध नहीं है तो आप सब कुछ कर दोगे पर फिर भी उसका फल मिलने वाला नहीं है, उसका फल मिलने वाला नहीं है। क्योंकि अपन देखेंगे अपने कितने शास्त्र हमारी अलवारियों में पैक होंगे, शास्त्र है ना। अगर ये बतलाओ अध्यक्ष जी, ऐसा कौन सा शास्त्र है जिसे आप सूतक पातक में भी उठा के पढ़ सकते हो? ऐसा कौन सा शास्त्र है जिसे माताएं अशुद्धि में भी उसे छू सकती हैं, पढ़ सकती हैं? हैं? और सर्व उपयोगी शास्त्र है, छोटा सा है पर सर्व उपयोगी है, और उस शास्त्र को सीधे सीधे पढ़ने से हमें शिक्षा मिलती है कि हमारा इस दुनिया में हमने मनुष्य पर्याय हमको बड़ी मेहनत से मिली है, ये मनुष्य पर्याय एक चांस है, अवसर है, दिस इज द चांस। तो इस अवसर को हम कैसे जिए, या तो इस जीवन को पैसा कमाने में निकाल दो, या इस जीवन को खाने पीने में निकाल दो, या इस जीवन को एक दूसरे की बुराइयां करने में निकाल दो, आलोचना निंदा करने में निकाल दो, किस में निकालना चाहते हो? क्योंकि मैंने कहा था ये जीवन एक कुल्फी की तरह है, कुल्फी की तरह, या तो इसको टेस्ट करो नहीं तो वेस्ट करो। तो देखते तो रहो कहीं टेस्ट कर रहे हो कि वेस्ट कर रहे हो, क्यों नहीं खाओ, कुल्फी हाथ में लिए रहो तो अभी वो घुल घुल के नीचे गिरती जाएगी, आखिरी में क्या बचेगा आपके हाथ में, लकड़ी, लकड़ी बचेगी, फिर क्या, अरे ये वो कुल्फी तो पूरी बह गई ना, ना टेस्ट कर पाए ना खा पाए। तो कहीं जीवन की कुल्फी तुम्हारी देख लो कहीं पिघल तो नहीं रही है गर्मी से, खाली मौसम की गर्मी नहीं होती, गर्मी तो अंदर की भी होती है ना,
जो आर्त रौद्र जो परिणाम होते हैं उसकी भी गर्मी होती है, ये बाहरी गर्मी से भी ज्यादा खतरनाक होती है। तीसरे बोले कि कौन सा शास्त्र है वो? नहीं, ज्ञान तो है ही मोहित, हाँ ये तो सब है ही, पर एक ऐसा कौन सा शास्त्र है जो हमें बिल्कुल सटीक सटीकता से हमें उपदेश देता है? ज्यादा नहीं पढ़ने का मौका, ज्यादा नहीं पढ़ने का शास्त्र, एक शास्त्र पढ़ लिया हमारा कल्याण निश्चित है। वो कौन सा शास्त्र है? और वो हर जगह मिलता है, वो शास्त्र हर जगह मिलता है, घर घर में है, ट्रेन में है, प्लेन में है, होटल में है, रिश्तेदारों के यहां है। नहीं, चलो मैं बता देता हूं, वो शास्त्र का नाम है दर्पण। वो कौन सा शास्त्र है? वो दर्पण है, जैसे अपन आईना भी बोलते हो, ऐनक भी बोलते हो, है ना, दर्पण शीशा। अब भाई शीशा कैसे ऐसा ग्रंथ है? अब अपन देखो शीशा होता है तो उसको अशुद्धि में छूते नहीं छूते हो, अशुद्धि में भी शीशा देखते हो नहीं देखते हो, हैं? देखते नहीं देखते हो, शुद्धि में अशुद्धि में काला व्यक्ति, गोरा व्यक्ति, बौना व्यक्ति, लंबा व्यक्ति, सब व्यक्ति देखते हैं। और बताओ गाड़ी खरीद के लाओगे तो उसमें भी कांच लगा ही लगा है अगल बगल में, बताओ। होटलों में जाओ तो, ट्रेन में जाओ तो, हर जगह कांच लगा हुआ है। वो शास्त्र है, शास्त्र है। वो कहता है मुझे पढ़ो, मुझे क्या कहता है? छोड़ो समय सार, छोड़ो प्रवचन सार, छोड़ो और सारे शास्त्र, मुझे पढ़ लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। पढ़ना क्या है? उस दर्पण की कुछ विशेषता होती है। क्या क्या विशेषता होती है दर्पण की? विशेषता नंबर एक, वो कभी किसी से भेदभाव नहीं करता। करता है क्या दर्पण? हैं? दर्पण कहीं भी लगा हो, अगर कैंसर का मरीज भी जाके खड़ा हो जाए बगल में तो कभी दर्पण भागता है क्या? अरे तू कहाँ आ गया, हट, तू कैंसर है तुझे, भागता है क्या? उसको भी देखता है बड़े अच्छे से, हैं? आई एम राइट? बताओ, कोई कोरोना का मरीज आ जाए तो दर्पण भागता है क्या? अपन तो दूर भाग जाओगे तो देख कर, इसको कोरोना क्या? अरे भैया दूर दूर रहो यार, तुम दूर रहो। बताओ दर्पण भागता है क्या? बोलो बोलो, भागता है क्या? नहीं भागता ना, नहीं भागता है। कोई सुंदर व्यक्ति को देख करके खुश होता है क्या? बताओ। और कोई बदसूरत व्यक्ति को देख के रुष्ट होता है क्या? किसी को देख के मुंह टेढ़ा करता है क्या? किसी को देख के नाक टेढ़ी करता है क्या? बोलो बोलो, बोलते जाओ हाँ या ना। नहीं करता ना, हैं? कोई भेदभाव करता है क्या? नहीं करता है। बताओ, सबको देखता है कि नहीं? जैन हो, अजैन हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी को देखता है, कभी मना करता है क्या? नहीं करता, है ना। ओ दर्पण क्या कहता है? उसके दो सूत्र, उसके जो उसने हमें दिए वो दो सूत्र क्या हैं? वो हमें अपन देखते हैं, आठ प्रातिहार होते हैं मंदिर जी में, आठ प्रातिहार होते हैं और आठ मंगल द्रव्य होती हैं, होती ना, आठ मंगल द्रव्यों में एक द्रव्य होती है जिसका नाम है दर्पण। होता नहीं होता है, उसी लिए रखा गया। दर्पण को देख करके चिंतन करो। क्या चिंतन करना है? दर्पण की दो विशेषता हैं। दर्पण कहता है कि जीवन में तुम्हारे कोई भी आए उसका स्वागत करना चाहिए। क्या करना चाहिए, है ना? अपन लोग क्या करते हैं, सकल देख के स्वागत करोगे, हैं? कहते ना, अंधा बांटे रेवड़ी और चीन चीन के दे। अपन क्या करते हैं, अपन तो खाना पीना भी खिलाओगे तो सकल देख के, किस व्यक्ति को पकवान खिलाना है, किसको कितना खिलाना है, सोच समझ के खिलाओगे। बढ़िया आदमी है, अपन बढ़िया आदमी है, और बढ़िया आदमी पूरा हिसाब किताब लगा के खिलाता पिलाता भी है, तो हिसाब किताब लगा करके, है ना। तो दर्पण क्या करता है, कोई भेदभाव नहीं, वो कहता है जो भी मेरे सामने आएगा मैं उसका अपने दर्पण में स्वागत करूंगा। देखो भैया बड़ी गौर से देखो अपने आप को, है ना, मैं सबको अपना सबको आईना दिखाऊंगा। तो पहला सूत्र क्या है उस दर्पण का?
जो भी आए उसका स्वागत करो, बोलो स्वागत करो, और अच्छे से करो, ऐसा नहीं मुंह टेढ़ा मेढ़ा करके, भौंय मौं टेढ़ी नहीं होना चाहिए ना, नहीं तो पता किसी को देख के भूट, किसी को देख के तो अरे भाई आइए, और किसी को देख के आओ, हैं पता हाँ, कितनी भीड़ भरी हो मंदिर में, सहेली आ जाए तो सारी से क्या करो, अब वो वहां से दूर से देख रही कह रही जगह तो है नहीं, अरे आ जाओ तो बैठ जाओ, सब हो जाए जगह, आ जाओ, ऐसे होगा नहीं होगा। और जो सहेली नहीं है वो आके खुद बैठ जाए तो अरे इतनी खुशी जा रही, जब वहां बैठ जाए तो ऐसा नहीं होता है। तो जो अपने पहचान का आ जाए तो जगह नहीं है तो भी बैठ जाओ, तब भी चलेगा, और पहचान का नहीं है तो रुष्ट हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, ना हल्का सा पैर टच हो जाए उसका पैर में, अरे देखते भी नहीं है बिल्कुल, बिल्कुल कुछ है ना। दर्पण कहता है कि ये चीज हमारी जीवन लाइफ में नहीं होना चाहिए, सबको देख के स्वागत करो, सबको अपना जैसा मानो, सबसे मैत्री भाव रखो, तभी तो तुम्हारी वो पंक्ति सार्थक होगी, मैत्री भाव जगत में मेरा, तो रखो ना सबसे मैत्री भाव, पढ़ते मात्र पढ़ते तो हैं कि मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित रहे, पर मैत्री भाव तुम्हारा तो चीन चीन के लोगों से होता है, चीन चीन के होता नहीं होता है हरा। इसलिए कहा गया कि क्या करो, दर्पण की पहली खूबी क्या है, सबका ये ध्यान रखना, सबका स्वागत करो, दर्पण कहता सबका स्वागत करो। और ये सब संभव कब हो पाता है, ये संभव कब हो पाता है कि हम सबका स्वागत करें, जब हमें किसी से कोई अपेक्षा ना हो, क्या हो बोलो, हाथ जोड़ो बोलो, जब हमें किसी से कोई ना कोई अपेक्षा होती है तो उसके प्रति हमारा आदर सत्कार ज़्यादा हो जाता है, और जैसे कोई मतलब ही नहीं है तो उसे तो जय जयंत भी नहीं करेंगे अपन, कोई मतलब ना हो किसी से तो फिर तो अपन बगल से निकल जाएंगे, और बगल से निकल गए तो काय के अध्यक्ष जी है ना, बड़ा अध्यक्ष बना फिरता है जो कहेंगे, और काम मालूम हो गए हैं ऐसे कोई काम निकलने वाला है, हैं ये काम इन्हीं से होगा तो अध्यक्ष जी नहीं भी देख रहे होंगे तो अध्यक्ष जी जय जनेन। तो ये जो अपेक्षा जब हमें किसी से बढ़ जाती है या अपेक्षा होती है तो हमारा उसके प्रति प्रेम ज्यादा दिखने लगेगा, जिससे प्रेम जैसे कोई काम नहीं है तो क्या होता है उसकी हम उपेक्षा करते हैं, उपेक्षा। तो इसलिए हम सभी का मैत्री भाव सबसे नहीं कर पाते, और क्या कहेंगे अपन, अरे और क्या करने होंगे अपने घर के बड़े होंगे अपने भी, हमें क्या करना उससे है ना, अरे ठीक है कहते कहते ऐसे अपन है ना। तो दर्पण कभी भी ये बातें नहीं कहता है, दर्पण कहता है गरीब आया तो उसको भी देख के खुश होता है, अमीर आया उसको भी देख के खुश होता है ना, अपन तो भगवान को देख करके भी भेदभाव कर लोगे, पांच वेदियां हैं है ना, और पांच वेदी में पता चला एक वेदी किसकी है, पता चला एक वेदी मान लो किसी एक व्यक्ति की है, अध्यक्ष जी की है, और दूसरी वेदी दूसरे व्यक्ति की है, तो अध्यक्ष जी का मन अपनी वेदी में ही लगेगा ना। अगर महाराज जी आए हैं तो परिचय किसका कराओगे, महाराज जी अपनी वेदी है, तो भैया जो तेरी वेदी है तो चार किसकी हैं बताओ, क्योंकि तेरी वेदी में भी बीतरागी भगवान है और चार वेदियों में भी बीतरागी भगवान है, पर तुमने अपनी वेदी का क्यों कहा, ये कहोगे महाराज जी सब वेदी अपनी है, ये सभी भगवान अपने हैं, क्योंकि मूर्ति तुम्हारी हो सकती है भगवान तुम्हारे नहीं हो सकते, मूर्ति तुम्हारी हो सकती है तो तुमने भगवान में भी भेद कर दिया, गुरु कोई आए तो उनमें भी भेद कर दिया, हमारे गुरुदेव वो हैं, कौन है हमारे गुरुदेव, वो जब किसी एक को विशेष मानोगे तो
सेस को डाउन करना पड़ेगा, बिना डाउन किए हुए किसी को विशेष कैसे मान सकते हो? बताओ, कभी दो बेटे हैं और कहते हो जो हमारा बड़ा बेटा बहुत टैलेंटेड है, तो छोटा वाला देखता है आँख टेढ़ी आँख करके, तो बड़ो ये तो उसी से करवा लो सब कुछ हैं, और तुम्हें छोटे का वाला बेटा जरा ना मेरे पास टाइम नहीं है, क्यों? जब वही टैलेंट है उसी को दो, उसी को बुलाओ, है ना? तो शेष क्यों छोड़ रहे हो? सभी को विशेष रखो, दर्पण कह रहा है सभी को विशेष रखो, तो सभी क्या करो, सभी का क्या करना है बोलो फिर से। सबसे अच्छा सूत्र, पहला सूत्र दर्पण का क्या है? सभी का स्वागत करो, सभी का स्वागत करना है। और दूसरा क्या है सूत्र? बस दो ही शब्द लिखे हुए हैं उस दर्पण में, तीसरा है ही नहीं। बोले दो शब्द अगर यूज कर लो जीवन में तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है सबको? तो क्या करो, सबका, हाँ सबका स्वागत है। जो हमारे दरवाजे पे आएगा उसका स्वागत है, जो हमारे नगर में आएगा उसका स्वागत है, कोई गुरु आए हमारे नगर में तो उसका स्वागत है ना। सबसे लो ना मालूम कौन से डॉक्टर का काम लग जाए, कभी कभी बड़े बड़े इंजीनियर, पढ़े लिखे इंजीनियर फेल हो जाते हैं, और जो बच्चा छोटे से ही मैकेनिक के यहाँ काम कर रहा था वो व्यक्ति उस काम को फिट कर देता है। बड़े बड़े इंजीनियर उससे सलाह लेने आते हैं, अरे यार सलाह है यार बताओ यार तुम ऐसा कैसे करते हो, ये कैसे करते हो, हैं? तो बिना एक अनपढ़ व्यक्ति अंगूठा छाप वो पूरी बात बता देता है ना। तो अनुभव तो अनुभव है, योग्यता तो योग्यता होती है, किसी के पास भी हो सकती है। तो इसी से नामानु कब किससे मौका पड़ जाए, आज नहीं पड़ रहा, एक साल बाद पड़ जाए, छः महीने बाद पड़ जाए ना, जिंदगी में कहीं ना कहीं पड़ जाए। इसलिए सबका स्वागत करो दर्पण का पहला सूत्र है। और दूसरा सूत्र है कि स्वागत तो सबका करना, बोलो स्वागत तो सबका करो, पर संग्रह किसी का मत करना। संग्रह किसी का मत करना, संग्रह में बड़ी दिक्कत होती है, संग्रह करने में बड़ी पीड़ा होती है, संग्रह करने में हमें नरक जाना पड़ता है, संग्रह करने में हमें त्रिंज गति में जाना पड़ता है। संग्रह किसी का मत करो। जैसे घर हम कितने अच्छा बनाएं और घर में कितने लोग मिलने वाले आते हैं, और मिलने वालों के लिए अपन कहाँ बिठाते हैं, हैं? डाइनिंग रूम में, है ना? एक डाइनिंग रूम बनाते हो ना जहाँ पर सबको बिठाते हो, सोफा सेट लगा देते हो, कोई भी आए भैया यहाँ बैठो, है ना? तो क्या किसी को बेडरूम में ले जाते हो? यस नो? नहीं ले जाते ना, है ना? वहाँ पर सिर्फ हम ही जाएंगे, ऐसा बोलते नहीं बोलते हो, और किसी को नहीं ले जाएंगे। ऐसे ही ये हमारा आत्मा जो है, इस आत्मा वो बेडरूम है, इसमें चाहे ना बीवी को जाने दो, ना पति को जाने दो, ना माँ को जाने दो, ना पिता को जाने दो, इसको खाली रखो गेस्ट रूम के रूप में, जिससे कर्मों की निजरा करने में देर ना लगे। जितने लोगों को आप प्रवेश दे दोगे, इन क्योंकि किराएदार की तरह हैं, ये एक बार आ जाते हैं फिर निकलते नहीं हैं। सुकमाल मुनि की जो माँ, ग्रस्त जीवन की माँ सुकमाल मुनि की, वो ये चाहती थी कि हमारा बेटा मुनिराज ना बने। क्या चाहती थी? हाँ, क्योंकि उस माँ ने अपने बेटे को कहाँ विराजमान कर लिया था? आत्मा में, बाहर नहीं रखा था। तो इसलिए उस बेटे ने क्या किया, दीक्षा ले ली। तो माँ इतनी दुखी हुई, इतने संक्लेश परिणाम हुए कि वो मर गई, और मरते ही शेरनी बन गई तिरंज गति में, और शेरनी बन गई। और वह शेरनी यहाँ सुकमाल मुनि जंगल में, और उसी जंगल में उसका जन्म हुआ। और सुकुमार मुनि जब दीक्षा लेने जा रहे थे तो कंकड़ पत्थर चुभने से जो ब्लड निकला उसके चिन्ह बन गए थे, उस शेरनी ने सूंघ लिया, अरे ये तो मेरा बेटा ही है जिसके कारण से मुझे मरना पड़ा, जिसके कारण से मुझे शेरनी बनना पड़ा, आज छोड़ूंगी नहीं। और जाकर के क्या किया, सुकुमार मुनि को 3 दिन तक खाती रही। 3 दिन तक खाती, कौन खा रहा था?
दिखने में शेरनी थी, पर कौन थी वो? माही तो थी। क्यों? क्योंकि उसने संग्रह कर लिया। संग्रह मत करो मुनि राज, हर वर्ष अलग अलग जगह जाकर के चातुर्मास करते हैं और 120 दिन एक स्थान पर निकालते हैं। हर जगह के अध्यक्ष होते हैं, मंत्री होते हैं, कोषाध्यक्ष होते हैं, लड़के बच्चे होते हैं, आहार देने वाली माताएं होती हैं, रोज आहार देती हैं, क्लास पढ़ती हैं, सबका नाम भी उनको याद हो जाता है, पर किसी का संग्रह नहीं करते, सबका स्वागत करते हैं। आइए अध्यक्ष जी, ये भाई रेवाड़ी के अध्यक्ष हैं, भूलेंगे थोड़ी ना, कहीं जाएंगे और आप वहाँ आओगे ना, महाराज तो एक बार आएंगे, फिर कब आएंगे नहीं आएंगे, पर महाराज जी के पास तुम जब जब जाओगे, महाराज तुरंत क्या कहेंगे, आ भाई मोहित, कब आए, अब वहाँ के लोग परिचय दे सकते हैं, आ भाई सतीश आइए। क्यों? तो बोले कि जुड़ते जोड़ते हैं पर किसी से जुड़ते नहीं, जोड़ते सबको हैं पर किसी से जुड़ते नहीं है। क्योंकि भगवान महावीर स्वामी ने कहा जोड़ना सबको, हर जगह जाओ, शिविर लगाओ, है ना, शिविर में लोग बैठेंगे, भक्तामर शिविर लगाओ, पूजन शिविर लगाओ, पुराने शिविर लगाओ, प्रवचन दो, आहार करने जाओ, है ना, आप कितने खुश होते हो, हमारे महाराज जी, हमारे महाराज जी, हमारे गुरुदेव, हमारे गुरुदेव। और गुरुदेव मुस्कुराते हैं, वो कहते हैं जब हम अपने माँ बाप के नहीं हुए तो तुम्हारे क्या हो जाएंगे। बहुत अगर यही राग देश मोह करना होता तो महाराज ही क्यों बनते भाई, हैं जी बताओ। वो संग्रह नहीं करते, वो क्या करते, सिर्फ स्वागत करते हैं, सबका स्वागत करते हैं। तो दर्पण ने कहा स्वागत सबका करो जीवन में, संग्रह मत करना, बस इतना ही। ये दो शब्दों का उपदेश ही हमारी आत्म कल्याण का हेतु बन जाएगा। तो कुछ नहीं जाना है, जिसे कह दिया कौन से सूत्र है अध्यक्ष जी, स्वागत सबका करना है और संग्रह किसी का नहीं करना है। और जब हम संग्रह कर लेते हैं उसे कहते हैं राग, संग्रह करते हैं उसको कहते हैं मोह, और वही राग और वही मोह, और पार्षद पूजा में क्या बोलते हैं, मोह ना मोह मिटाता है, मोह कभी मोह को नहीं मिटाता है, कहते हैं ना, मोह कभी मोह को मिटाता है क्या, नहीं मिटाता है ना। कब किसका बेटा एक्सपायर हो गया लॉकडाउन में, उसमें कोरोना से, कब किसका कोई पति एक्सपायर हो गया, वो बेचारी आज तक नहीं भूल पा रही है ना, और जो चला गया वो याद नहीं करता है, वो याद नहीं करता। क्यों? क्योंकि सिद्धांत कहता है कोई भी जीव मरने के चार समय तक ही याद रखता है, चार समय के बाद सब भूल जाता है। और चार समय कितने, चार समय का मतलब है यहां किसी व्यक्ति के प्राण निकले और चार बार अपनी पलक को झमकाओ, एक दो तीन चार, बस इतने में जीव का जन्म हो गया। अभी तो आप उसके शरीर को उठा करके बाहर भी ले गए, अभी तो आप किसी को एक फोन भी नहीं कर पाए, जब तक तो एक फोन भी करोगे तो उसमें भी चार पांच सेकंड तो लग ही जाएंगे, है ना, पर इतनी देर में तो उस जीव का जन्म हो गया। अपन रो रहे हैं, तेर भी मना रहे हैं, ये कर रहे हैं, बोले कौन कर रहा है, वो कर रहे हैं जिन्होंने संग्रह किया था, जिन्होंने संग्रह किया था। इतना बड़ा बड़ा संघ है साधुओं का, इतना बड़ा संघ है, एक एक आचार्य के साथ 100 साधु 150 साधु हैं, और जब कभी कोई मौका आता है तो एक साधु उसमें से क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। अचानक खबर आई अरे मंदिर से, अरे भाई बुलाओ अध्यक्ष जी, बोले क्यों, आज पुराने साधु की समाधि हो गई। अरे समाधि हो गई कि हाँ, सुबह सुबह 4 बजे हो गई, कोई साधु देखा रोते हुए चिल्लाते हुए, खुश हैं भाई, बैठे हैं, तैयारी की, छोड़े आए, आराम से आहार चल रहा है, हैं कि ना। इसलिए जहां पर कुछ है ही नहीं संग्रह, जहां जहां संग्रह है वहीं वहीं सूतक पातक है, इसलिए इनका सूतक पातक नहीं होता। होता है देखा कभी साधु को, कोई साधु चला गया हो, कोई आरिका माता चली गई हो तो सूतक लग गया, भैया साधु के यहाँ अब 12 दिन उपदेश नहीं देंगे, अब 12-13 दिन क्या करेंगे, आहार नहीं करेंगे, ऐसा है क्या, कभी कभी नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि मोह ही नहीं है, कोई उन्होंने संग्रह नहीं दिया, संघ में स्थान दिया है,
पर दिल में स्थान नहीं दिया। भाई ठीक है, तुम भी है ना साधर्मी हो, हम भी साधर्मी हैं, आप भी अपनी साधना करो, हम भी अपनी साधना कर रहे हैं, हम अकेले कर रहे हैं, तुम और साथ में जाओगे तो दो लोग करेंगे, है ना। तो अपने ध्यान करो, तो अपना चिंतन करो, तुम अपना मनन करो, है ना। बाकी हमारा और कोई मतलब बाहर से सहयोग है, अंदर से तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। क्योंकि हमने स्वागत किया है, हमने संग्रह नहीं किया, है ना। इसलिए महान भाव समझ में आ गया ना आप ग्रंथ, है ना। और ये सटीक उपदेश है कि सबका स्वागत करो, संग्रह किसी का मत करना। तो महान भाव हम सभी लोग ध्यान रखेंगे, टाइम हो गया है, बोलो महावीर भगवान की।